भाजपा पार्षद सुरेश कुमार वर्मा वार्ड नंबर 2 के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी अमन दत्त के द्वारा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपनी कुछ जानकारियां छिपाई हैं, जिसकी अवैध पे उनके आरोप लगाते हुए केस दायर किया गया था। जो ये मुद्दा लगभग एक साल से चल रहा है, इस मामले में आगे की जानकारी लेते हुए हमने अमन दत्त और उनके वकील दिनेश जांगड़ा से बात करके जानने की कोशिश की कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई बैठी है और कोर्ट द्वारा क्या इस मामले में संज्ञान लिया गया, क्या तारीखें डाली गई हैं, ये सभी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। केस अभी पीछे 9/11 में पेंडिंग था, ऑर्डर पे था, उससे पहले आर्ग्यूमेंट हुई थी। ऑर्डर 7 रूल 11 की उन्होंने एक अप्लीकेशन लगाई थी जो 9/11 को पंचकुला इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोर्ट से डिसमिस हो गई है और आगे 22/11 डेट लगी हुई है। 22/11 एविडेंस के लिए रखा हुआ है, 22/11 को एविडेंस स्टार्ट हो जाएंगी, तो अभी केस पेंडिंग है। तो जो ऑर्डर पारित हुआ था उसके बारे में जानेंगे? जी सर, मैं अभी कर रहा हूँ। ऑर्डर वही जो एप्लीकेशन थी, ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन उनकी डिसमिस हो गई है। बाकी डिटेल में आपको जांगड़ा जी बता देंगे। जो ऑर्डर पारित हुए हैं उसकी जानकारी देते हुए सूरज जी, ये इलेक्शन पिटीशन हमने फाइल की थी और वार्ड नंबर 2 का इलेक्शन हमने चैलेंज कर रखा है, जिसमें कि सुरेश कुमार वर्मा जी को पार्षद माना गया था, जबकि वो इलीगल ऑर्डर है और उनको किसी भी तरीके से इस पद पर रहने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी बतानी होती है उस वक्त के आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेवारी उस वक्त एडीसी साहब को दी हुई थी, परंतु उन्होंने वो जानकारी इंटेंशनली छुपाई है। उनके भी कई रीजंस हैं बिहाइंड दैट के भी क्यों उन्होंने छुपाई है, और वो जानकारी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के अनुसार वो जानकारी देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये रिकॉर्ड पर आ चुका है कि उन्होंने वो जानकारियां नहीं दी हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए और इसी के चलते हुए, केस के चलते हुए, जो सुरेश कुमार वर्मा जी हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी थी, जिसको हम एप्लीकेशन जो उन्होंने मूव की थी दैट वाज अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये कह के किया था कि इस पिटीशन को रिजेक्ट किया जाए और आगे ना चलाया जाए। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो यहाँ पर हमारा केस चल रहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको टाइम दिया, उनकी रिप्लाई फाइल हुई, देयर आफ्टर उसमें आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स एट लेंथ सुने गए हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से सुनने के बाद जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है वो उनकी डिसमिस कर दी गई है। उन्होंने एक मुद्दा ये भी उठाया था उसमें कि हमारी जो इलेक्शन पिटीशन है दैट इज़ टाइम बार्ड और बियॉन्ड द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जो पिटीशन है, इलेक्शन पिटीशन, दैट इज़ वेल विद इन टाइम ऑफ लिमिटेशन। तो अब जो टाइम, जो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग हमें दी गई है वो एविडेंस के लिए दी गई है, हम अपने विटनेस आगे करवाएंगे और वी आर श्योर दैट वी विल प्रूव कि ये इलेक्शन जो है रॉन्गली कंडक्ट हुआ है। सर, लगभग साल होने को आ गया है, कितनी तारीखें पड़ चुकी हैं? सर, तारीखें तो खैर एकदम तो काउंट मेरे को इस वक्त नहीं ध्यान है, हाँ तारीखें 4-5 जरूर पड़ गई हैं, जिसमें कि हाँ परेशानियाँ ये भी आई थी साथ में, क्योंकि जो सुरेश कुमार वर्मा हैं इसमें, उन्होंने जो रिटर्न स्टेटमेंट अपना दिया था, जवाब दावा जो दिया था, वो ऑलमोस्ट आफ्टर पासिंग दी 6 मंथ ऑफ पीरियड उन्होंने वो सबमिट किया था। तो क्या इसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की नहीं बनती कि वो भी इस मामले में संज्ञान ले, तुरंत कार्रवाई त्वरित कराए? नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी ऐसा करना चाहिए था, परंतु चूँकि मामला अब कोर्ट में पेंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि भी कोर्ट ही अपना डिसीजन दे दे। अगर किसी
अगर मान लीजिए कि कोर्ट जो है तो अमरदत्त जी के हक में फेवर कर देता है, हाँ जी, उस केस में जो प्रेजेंट के पार्षद हैं सुरेश कुमार वर्मा, हाँ जी, क्या स्थिति रहेगी पार्षद की? स्थिति यही रहेगी सर, उन्हें अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा और पद को छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय जो कार्यभार रहेगा वो कौन देखेगा? कार्यभार जो क्या होता है अपना सूरज जी, कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है उसको ही कार्यभार दिया जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे थे वो अमरदत्त शर्मा जी थे, जिन्होंने इस इलेक्शन को चैलेंज किया हुआ है, एंड ऑन दीज लाइन ऑफ एक्शन अमरदत्त शर्मा को ही चार्ज दिया जाना चाहिए।